नमस्कार, शिशु वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही आसान सा सीरियल जो ट्रैवल फ्रेंडली भी है और झटपट तैयार हो जाता है। आप ये सीरियल 6 से 7 माह के बच्चों के लिए बना सकते हैं, और अगर आप कभी भी ट्रैवल करें तो इसको बहुत ही आसानी से आप थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, और किसी भी तरह की प्यूरी अगर आपके पास है वो भी मिला सकते हैं, या प्लेन भी दे सकते हैं, और ये फटाफट तैयार हो जाता है। तो हम आपको बाद में ये भी दिखाएंगे कि कैसे आप इसमें और क्यूरीज मिला के इसके अलग अलग वेरिएशंस बना सकते हैं। इसके लिए हमें बस 3 चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ हमने 1 कप मुरमुरा लिया है या पफ्ड राइस, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ हमारे पास भुनी हुई चने की दाल है, ये रोस्टेड है, तेल नहीं है इसमें, ये ऐसे ही मिलती है आसानी से बाज़ार में कहीं पर भी। और हमने 6 बादाम लिए हैं जिनको हमने तवे के ऊपर सूखा भून लिया है। किसी भी तरह की घी तेल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस खाली हमने सूखा ही इसको भून लिया है जब तक ये थोड़े से भूरे ना हो जाए। अब ये सब चीज़ें ही पकी हुई हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हमें अलग से पकाने की ज़रूरत है, तो बस हम इसको अपने एक ब्लेंडर के जार में डाल देंगे सारी चीज़ों को, और उसके बाद हम इसका एक महीन पाउडर बना लेंगे और आपका सीरियल झटपट तैयार हो जाएगा। तो क्योंकि इसमें सभी चीज़ें पकी हुई हैं तो इसको अलग से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जब आप कहीं पे रास्ते में जा रहे हैं और आप बच्चे को बाहर का खाना नहीं खिलाना चाहते हैं। तो ये देखिए, एकदम महीन पाउडर हमने बना लिया है। अब इसको आप ले लीजिए एक बोल में, हम देखेंगे इसे कैसे आप तैयार करें। तो इसको हमने ले लिया रिक्वायर्ड क्वान्टिटी, आपको जो भी 1 चम्मच 2 चम्मच लेना है जितना आपके बच्चे के लिए वो आप ले लीजिए। और अब इसको इसमें हम गरम पानी डालेंगे, जैसे हम कोई भी बाजार से सीरियल लेके आते हैं उसी तरीके से हम इसको बना सकते हैं, कोई इसमें एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको अच्छे से घोल लेंगे हम, और अच्छे से चलाइए ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे, और 2 मिनट इसको बस हमें रहने देना है लगाने के बाद, जब तक इसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल ना हो जाए, और बहुत ही अच्छा स्मूथ टेक्सचर आपके सीरियल का बन जाएगा। कितना पतला रखना है कितना मोटा रखना है ये आपके ऊपर है, आप अपने आपके बच्चे को जैसा पसंद है आप उस हिसाब से कर सकते हैं इसको पतला या गाढ़ा। आप देखते हैं कि इसको हम और न्यूट्रिशियस कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एप्पल की प्यूरी ली है, हमने पहले भी दिखाया है वीडियो में एप्पल की प्यूरी कैसे बना सकते हैं, तो आप उसे बना के रख लीजिए और थोड़ा सा इसमें मिला दीजिए और ये और न्यूट्रिशियस बन जाएगा। इसी तरह से आप, हमने पालक की प्यूरी दिखाई है, आप वो भी डाल सकते हैं जब आप बच्चे का खाना बनाएं, जब बच्चा करीब 8 महीने का हो उसके बाद पालक दे सकते हैं आप। कितना आसान है इसे बनाना। दूसरा ऑप्शन जो आप कर सकते हैं, यहाँ हमने फिर से वैसे ही लिया है सीरियल को, पानी के साथ उसे मिला लिया है, और जब वो तैयार हो गया तो हम इसमें केले के कुछ टुकड़े लिए। ये तो बहुत ही आसान है अगर आपको ट्रैवल के टाइम पे यूज़ करना है, कि केले को आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको मैश कीजिए थोड़ा सा अच्छी तरह से और उसको इस सीरियल में मिला दीजिए, उसकी एक अच्छी मिठास भी आ जाएगी और एक कंप्लीट सीरियल आपके बच्चे के लिए बन जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो खजूर की प्यूरी भी डाल सकते हैं, या पेयर की प्यूरी, पपीता, मैंगो प्यूरी, जो भी आप फल या सब्जी इसमें डालना चाहें, गाजर आप इसमें डाल सकते हैं, और ये बहुत ही आसान है और झटपट तैयार हो जाता है। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और उस बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको सारे के सारे अपडेट सबसे पहले मिल जाएं। और हम आपसे बहुत जल्दी से फिर मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। बाय बाय।